दोस्तों, गर्मी की सीजन आते ही नींबू के भाव बहुत ही बढ़ जाते हैं और हमें कुछ खट्टा मीठा शरबत पीने का भी मन करता है। तो दोस्तों, आइए मानस कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। और आज हम अपने घर की रसोई की चीज़ से ही बनाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्टी खट्टा मीठा शरबत। तो ले लेंगे 100 ग्राम कोकम, जो हम दाल या सब्जी में इनका उपयोग करते हैं। इनको हम 2 बार धो लेंगे अच्छे से। और अब एक बाउल में इनको ले लेंगे कोकम को, और ऊपर से थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और इनको ऐसे ढककर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, ताकि कोकम बहुत ही सॉफ्ट बन जाए और इनका स्वाद भी बहुत बढ़िया है। तो अब ये कोकम अच्छे से भीग गए हैं, तो इनको हम मिक्सी के जार में ले लेंगे। लेकिन जो कोकम का पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, ये पेस्ट बनाने में हम इनका थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लेंगे। अब इनकी बना लेंगे पेस्ट। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी पेस्ट बन गई है और पानी सिर्फ इतना ही बचा है। अब इनको हम छान लेंगे। ये शरबत पीने के फायदे भी बहुत है, इनसे एसिडिटी भी मिट जाती है और बहुत ही हेल्दी है। ये हमारे वेट को भी थोड़ा कम करता है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी है। और अब इनमें हम डालेंगे 1 किलो चीनी, और चीनी को मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम करेंगे हम ऑन, और इनको थोड़ी देर तक ऐसे चलाते रहेंगे चम्मच से, और फ्लेम रखेंगे थोड़ी हाई, ताकि जल्दी से हमारी चाशनी तैयार हो जाए कोकम वाली। और इसमें हम उबाल आने लगा है तो गैस की आंच कर देंगे धीमी, और इनको 3 से 4 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब ये चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है, तो हम थोड़ी देर बाद इनकी फ्लेम कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा सिरप ऑलरेडी तैयार हो गया है। इसको आप बनाकर 2-3 महीने तक अच्छे से बॉटल में भर के रख सकते हैं। और साथ में हमने ये काला नमक, भुना हुआ जीरू और मरीका पाउडर, पुदीना पाउडर, सौंठ और सफ़ेद नमक, इन सब को 1-1 चम्मच भर के ले लिया। और अब डाल दिया ये जो हमने सिरप तैयार किया था इसके अंदर, ताकि ये सब मसाले से आपका जो शरबत है वो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा। और फिर से हम मसाले डालने के बाद इनको एक बाउल में छान लेंगे। देखिए इतना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है। तो देखिए 1 किलो चीनी से ये हमने 2 बाउल भर के सिरप बनाया है, और हम बनाएंगे इनका शरबत। तो ले लेंगे 2 ग्लास में 5-6 बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे, ऊपर से हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कोकम का सिरप। इनकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप ये शरबत घर पर ज़रूर बनाना, और नींबू से भी गुणकारी शरबत है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब इनको हम अच्छे से कर देंगे मिक्स और मेहमान को पिलाएंगे।